Hello, my dear all students. How are you? कैसे हैं आप सब लोग? Well, आज के इस सेशन में मैं ना ही आपको कुछ पढ़ाने जा रहा हूँ और ना ही मैं कोई ट्रिक्स आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ. आज का जो सेशन है ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने एज अ टीचर मेरे को प्यार दिया, इतना मान सम्मान दिया. उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं हार्टली थैंक्स कहना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे वो रिस्पेक्ट दी, मुझे वो जगह दी जिसके लिए हर टीचर तरसता है. रियली थैंक्स टू ऑल माय दोस प्रीशियस स्टूडेंट्स. आई रियली डोंट हैव वर्ड्स टू डिस्क्राइब माय फीलिंग्स फॉर यू पीपल, बट आई नो वन थिंग, I love you all. I really miss all those days. I really miss all those precious moments. मैं उन सभी important अनमोल दिनों को miss करता हूँ जो as a teacher मैंने अपने उन तमाम students के संग बिताए, चाहे वो competition line में हो या फिर IT sector line में हो. From 2006 जब से मैंने अपना career start किया टीचिंग से, अपना करियर मैंने टीचिंग से स्टार्ट किया फ्रॉम 2006 से 2013 तक एज अ टीचर अलग अलग जगह पढ़ाने का मुझे मौका मिला, चाहे वो जेटकिंग हो, एचसीएल हो, एप्टेक एंड पावर हो. वो लाइन अलग थी, वो लाइन थी आईटी सेक्टर की लाइन, बट वहां भी एज अ टीचर मैंने अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाए. उसके बाद जब मैंने कंपटीशन लाइन ज्वाइन करी जिसमें सबसे पहले महिंद्रा, उसके बाद पैरामाउंट, बैंकर्स अड्डा, एनबीए, वो लाइन अलग थी. लेकिन वो तमाम स्टूडेंट्स, चाहे मैं बात करूं आईटी सेक्टर की या मैं बात करूं कंपटीशन लाइन की, उन सभी से जो मुझे प्यार मिला, जो उनकी उनकी रिस्पेक्ट जो मुझे मिली, वो अनमोल थी. आई कांट एक्सप्रेस इन माय वर्ड्स. So, आज जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज 5th सितंबर है और 5th सितंबर यानी टीचर्स डे. सो आज के दिन बहुत से मैसेजेस मुझे मिले व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, मेल आईडी में. बहुत से स्टूडेंट्स ने मुझे विश किया, मुझे खुशी इस बात की है, एंड आई कैन कॉन्फिडेंटली से दैट आई एम लकी टीचर. कि दो साल मुझे हो गए हैं बैंक ज्वाइन किए, टीचिंग छोड़े हुए आप कह सकते हैं, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स का प्यार कम नहीं हुआ है. उनका जो अट्रैक्शन है, उनका जो लगाव है, वो कम नहीं हुआ है. फॉर दैट रियली थैंक्स टू ऑल माय प्रीशियस पर्सन ऑफ माय लाइफ. ओके, सो दैट्स व्हाई ऑन द ओकेजन ऑफ टीचर्स डे, थैंक्स टू ऑल माय गुड स्टूडेंट्स हु लव्स मी लॉट and become part of my life. As a student, I love you all, I'm proud of you. You are a loving teacher, love us. So, बहुत से ऐसे moments रहे जिसको मैं discuss करना चाहूंगा. लोग कहते हैं कि एक teacher अपने students को बहुत कुछ सिखाता है, but मैं हमेशा से believe करता हूँ कि हम भी बहुत कुछ सीखते हैं आप लोगों से, चाहे फिर वो आपका dedication हो या फिर आपका एटीट्यूड. कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं जिनको आप कभी भुला नहीं सकते. आई नेवर फॉरगेट ऑल दोज मोमेंट्स जब टीचर्स डे पे स्टूडेंट्स आपके विकेट लेके आते हैं. अगर मैं बात करूं बरेली महिंद्रा की, तो सारे जितने भी टीचर्स डे पे जितने भी टीचर्स होते थे, दे ऑल आर डिस्कसिंग, ओके देखते हैं आज सबसे ज्यादा गिफ्ट किसे मिलते हैं. और जब मेरे को सबसे ज्यादा गिफ्ट मिलते थे तो वो एक ही चीज पूछा करते थे कि सर आखिर ऐसा क्या करते हो, आपके टीचर्स डे पे सबसे ज्यादा गिफ्ट आपको क्यों मिलते हैं. देन आई रिप्लाइड वन थिंग, सर ये कनेक्शन दिल का है स्टूडेंट्स के साथ, आप नहीं समझ सकते. मीन्स मैं हमेशा से उनसे कहता था कि सर एज अ टीचर हमारा काम पढ़ाना है. बहुत सी फैकल्टीज मैंने देखी हैं कि वो सब खाना पूर्ति करते हैं,
मीन्स क्लास में जाते हैं और सिर्फ टाइम पास करके आते हैं। अगर 1 घंटे का सेशन है तो सोचते हैं 10 मिनट लेट जाएं, 10 मिनट पहले आएं और उसमें भी थोड़ा बहुत हंसी मजाक करें। जैसे नहीं सर, आप अगर एक एज ए टीचर है तो आपका एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल आप प्ले करते हैं देश के लिए, क्योंकि एक अच्छा टीचर देश का भविष्य बना सकता है, एक स्टूडेंट का भविष्य बना सकता है। उसी तरीके से खराब टीचर किसी भी देश का भविष्य खराब कर सकता है, किसी भी स्टूडेंट का भविष्य खराब कर सकता है। तो मैं हमेशा अपने कलीग्स, हमेशा अपने जो साथ के मेरे फैकल्टीज थे, उनसे कहता था कि सर जब आप क्लास में जाते हैं और जब आप पढ़ाते हैं तो आप मानिए कि आपकी दुनिया वो सारे स्टूडेंट्स हैं, वो क्लास है, क्योंकि आप बहुत से स्टूडेंट्स की लाइफ में चेंज करने वाले हैं। आप जो क्लास ले रहे हैं वो सिर्फ 1 घंटे का कोई सेशन नहीं है, या फिर सिर्फ आप खाना पूर्ति नहीं कर रहे हैं, या फिर पैसा बनाने के लिए आप सिर्फ 1 घंटा टाइम पास नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप उन बहुत से स्टूडेंट्स का भविष्य बना रहे हैं। और अगर आप इस फीलिंग के साथ क्लास में जाएं, अगर आप उन सभी स्टूडेंट को दिल से लगाव करें, उनके बारे में सोचें, तो जो फीलिंग्स और जो प्यार उनकी तरफ से आपको मिलता है उसको ना मैं अपने शब्दों में बयां कर सकता हूं और ना आप समझ सकते हैं। तो शायद से यही एक आंसर है आपके उस क्वेश्चन का कि आखिर आपको टीचर्स डे पे इतने सारे गिफ्ट क्यों मिलते हैं। वेल, इसके साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि एक टीचर के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट क्या हो सकता है। खासतौर से मैं सभी अपने स्टूडेंट्स से, जो लोग मुझे चाहते हैं, लाइक करते हैं, मुझे अपना आइडल मानते हैं, अपना फेवरेट टीचर मानते हैं, एक टीचर के लिए सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा क्या हो सकती है? एक टीचर के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट, सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा होती है उसके स्टूडेंट का सिलेक्शन, उसके स्टूडेंट की कामयाबी। बहुत से मेरे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने मुझे वो गिफ्ट दिया है, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो अभी भी प्रयास कर रहे हैं गिफ्ट देने का, और मुझे उम्मीद है कि वो अपने बेस्ट फैकल्टी को बेस्ट गिफ्ट दे पाएंगे। क्योंकि जब एक टीचर अपने स्टूडेंट की कामयाबी के बारे में सुनता है तो शायद से उसके लिए, टीचर के लिए उससे ज्यादा खुशी का पल नहीं हो सकता। आई कांट शेयर माई फीलिंग्स इन वर्ड्स कि मेरे उन तमाम स्टूडेंट जिनका जब सिलेक्शन होता है और जब मुझे पता चलता है कि हाँ मेरा स्टूडेंट ने सिलेक्शन निकाला है, तो जो फीलिंग्स होती है, जो खुशी होती है, वो हम बता नहीं सकते। मेरे एक स्टूडेंट है जिसका हाल ही में मीन्स 7 मंथ्स पहले विजय बैंक में सिलेक्शन हुआ, विजय बैंक में एज अ पीओ सिलेक्शन हुआ है। हिज नेम इज सतीश। तो लगातार 3 सालों से वो प्रयास कर रहा था, लेकिन हर बार 1 नंबर से 0.25 मार्क्स से रह जाता था, एंड ही इज हैंडीकैप्ड आल्सो। बट मैंने कभी उसे ये नहीं माना कि वो हैंडीकैप्ड है, क्योंकि उसका जो कोशिश थी वो उन सभी स्टूडेंटों से कहीं आगे थी जो लोग पूरी तरीके से हैं। बट यहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब 3 साल बाद उसने मेरे को ये खुशखबरी सुनाई कि सर फाइनली आई एम सेलेक्टेड इन विजय बैंक एज अ पीओ, शायद से मैं कह सकता हूँ कि वो मेरी लाइफ का एक बड़े पलों में से एक पल था। जिस दिन मेरा सिलेक्शन हुआ, शायद से मुझे उस दिन खुशी नहीं मिली होगी जितनी मेरे इन तमाम स्टूडेंट के सिलेक्शन से खुशी होती है। हाँ, वो बात अलग है कि मेरे पेरेंट्स को सबसे ज्यादा खुशी मिली। तो आज के दिन मैं आप सब लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूं कि जो आपकी ड्रीम है, जो आपने सोचा था या जो अभी आपने सोच रखा है, उसको कभी भी फीका मत होने दीजिए। मेरा हमेशा से कोशिश रहती थी कि जब मैं क्लास में जाऊं तो पढ़ाने के साथ साथ अपने उन सभी स्टूडेंट्स की ड्रीम्स को जिंदा रखूं, उनकी मोटिवेशन को बढ़ाऊं, जिससे कि वो निरंतर प्रयास करते रहें। और यही सबसे बड़ा कारण है आपकी सफलता का, कि जब आप निरंतर प्रयास करते रहते हैं तो एक ना एक दिन तो कुदरत पीछा मार के आपको सफलता दे ही देती है। सो कैरी ऑन, लगे रहिए। आई एम ईगर टू सी यू एज अ सक्सेसफुल पर्सन।
लास्ट ईयर व्हेन आई वाज इन बरेली, जब मैं बरेली में था तो बहुत से स्टूडेंट्स का मुझे वहाँ, और सबसे ज्यादा इसमें कोई शक की बात नहीं है, हालांकि आगरा बरेली बहुत जगह पढ़ाया है, लेकिन बरेली से ज्यादा प्यार तो सब जगह मिला, बट फिर भी अगर कोई कहे कि सर आपने सभी शहरों में पढ़ाया है, कौन से शहर के स्टूडेंट्स से सबसे ज्यादा प्यार मिला, तो नो डाउट कि बरेली से ज्यादा प्यार मिला, और कहीं इतना ज्यादा प्यार कहीं नहीं मिला, हालांकि आगरा और भी शहर के स्टूडेंट्स सभी से मुझे इतना मिला, बट फिर भी बरेलियंस यू आर इन फर्स्ट ऑफ। सो लास्ट टीचर्स डे पे एक स्टूडेंट ने बहुत ही अच्छा मैसेज मेरे को भेजा, बहुत बहुत अच्छा मैसेज था, आई ऑलवेज रिमेम्बर दैट मैसेज, आई रियली मिस यू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स। हाँ, मेरी एक कुछ स्टूडेंट्स, कई बार क्या होता है कि जब आप किसी को ज्यादा चाहते हैं, जब आप किसी से ज्यादा अटैचमेंट होता है तो ज्यादा अपनापन होता है, तो कुछ चीज ऐसी भी आती है, जैसे एक स्टूडेंट का फाइनल मीन्स मेंस का एग्जाम क्लियर हुआ, उसका इंटरव्यू था, तो उसने मुझे व्हाट्सएप किया, सो आई टोल्ड कि ओके आई विल कॉल यू इन इवनिंग, मैं बात करता हूँ, लेकिन कई बार लाइफ में व्यस्तता ज्यादा होने की वजह से हम नहीं कर पाते हैं, तो वो गुस्सा हो गया कि सर जब से आपकी शादी हुई है आप तो हम स्टूडेंट्स को मिल गए, एंड एक्चुअली आई एम टॉकिंग अबाउट द मेल स्टूडेंट्स, सो गुस्सा हो गया, बोला सर आप ऐसे कहते रहते हैं, दिस इज नॉट फेयर, लाइक दैट लाइक दैट। सो एक चीज आज के दिन मैं आप सभी लोगों से वादा करता हूँ कि मेरे वो तमाम स्टूडेंट्स, सारे स्टूडेंट जो मुझे चाहते हैं, जो मुझसे कुछ एक्सपेक्टेशंस करते हैं, मैं आप सबके लिए समय समय पर समय टाइम निकालता रहूँगा, जिससे कि आपके लिए मैं कुछ कर सकूँ। एंड एक चीज हमेशा ध्यान रखना, आई नेवर फॉरगेट एनीथिंग, मैं आप सब लोगों का जो भी प्यार है, जो भी आप सब लोग की लगाव है, मैं कभी कुछ भी नहीं भूला हूँ, आई एम ऑलवेज रिमेम्बरिंग ईच एंड एवरीथिंग। सो बस एक ही चीज आप लोगों से चाहूंगा मैं, IBPS क्लाइकल की वैकेंसी आई हुई है, एंड वी ऑल नो कि बहुत बड़ा मौका है उन सभी तमाम कैंडिडेट्स के लिए जो गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं, जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में खुद को देखते हैं। सो ये चांस बार बार नहीं आता है, क्योंकि हर साल वैकेंसीज कम होती हैं, हर साल कंपटीशन बढ़ता है, और हर साल आपके चांसेस कम होते हैं, तो इसलिए हर एक चांस बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइफ का बहुत बड़ा चांस है। तो उन सभी स्टूडेंट्स जो मेहनत कर रहे थे, लगभग पहुंच चुके थे, लेकिन किसी ना किसी चीज की वजह से वो शायद से अपने उस मुकाम से थोड़ा बहुत डाइवर्ट हो गए हैं, उन सभी स्टूडेंट्स से मैं कहना चाहूंगा कि फिर से उस कॉन्फिडेंस के संग, उस विश्वास के संग लगिए। 12 सितंबर इज द लास्ट डे टू फिल द IBPS क्लरिकल फॉर्म, आई एम ऑलवेज विद यू। और साथ ही मैं सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मेरे बहुत से स्टूडेंट जिनसे मेरा कम्युनिकेशन टूट गया है, क्योंकि एक बार मेरा मोबाइल खो गया था, दूसरी बार फॉर्मेट हो गया, तो उस चक्कर से आई लॉस्ट द डेटा, तो सारे स्टूडेंट जो मुझे इस वीडियो के द्वारा देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स से मैं अटैच रहूँ, जिससे कि मेरा मैसेज उन तक जा सके। अगर आपको किसी भी हेल्प की जरूरत है, आई एम ऑलवेज विद यू। ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे रीजनिंग की GA की कुछ वीडियोज डाली हैं, और मैथ्स की भी वीडियोज मैंने डालनी स्टार्ट कर दी हैं, एंड आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे ओनली, सो दिस इज द गिफ्ट फॉर यू। सो आज से मैंने मैथ्स की कुछ ट्रिक्स जो मुझे आती हैं, जिनकी हेल्प से मैंने सिलेक्शन निकाला, वो आप सब लोगों के संग मैंने YouTube के द्वारा शेयर करी हैं, जिससे कि आप सब लोग उसका बेनिफिट लें और सिलेक्शन निकालें। सो वंस अगेन आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, लव यू ऑल, आई नेवर फॉरगेट यू माय होल लाइफ। ये कभी मत सोचना कि राहुल सर हमें भूले नहीं, चाहे वो स्टूडेंट मेरे 2006 के HCL के स्टूडेंट्स हों, या फिर वो एपटेक के हों, या फिर वो बरेली महिंद्रा के हों, या फिर वो आगरा महिंद्रा के हों, या फिर वो दिल्ली पैरामाउंट के हों, या फिर वो बरेली NBA के हों, नेशनल बैंकिंग अकेडमी, या फिर वो आगरा बैंकर्स अड्डा के हों, या फिर वो बरेली बैंकर्स अड्डा के हों, आप सभी स्टूडेंट मेरे लिए बहुत कीमती हो, क्योंकि आपने जो मुझे
एक टीचर के तौर पे जो मान सम्मान और जो प्राउड दिया है अल्लाह का, और यही कारण है कि मुझे टीचिंग से इतना लगाव है कि बैंक ज्वाइन करने के बाद मैं एक साल एलओपी ले लिया था, क्योंकि मैं बैंक कंटिन्यू नहीं करना चाहता था। आई एम हैप्पी इन टीचिंग, बट पेरेंट्स की भी कुछ एक्सपेक्टेशंस रहती हैं, तो खैर उसको फुलफिल करने के लिए दोबारा बैंक आना पड़ा। बट आई एम ऑलवेज विद यू। सो और आज टीचर्स डे के साथ साथ गणेश चतुर्थी भी है, गणेश फेस्टिवल भी है, तो मैं चाहता हूँ मे गॉड ब्लेस यू विद लॉट ऑफ लव, जॉय, हैप्पीनेस, ऑल कलर्स ऑफ सक्सेस, ऑल कलर्स ऑफ जॉय। मे गॉड ब्लेस यू, कीप स्माइलिंग एंड ऑलवेज नो वन थिंग, आई विल नेवर से goodbye to you, because you all are my precious of my life. Okay, आज मैं उन सभी पलों को याद करता हूँ जो मेरी टीचिंग के पल रहे, बहुत ही इमोशनल और बहुत ही ऐसे मोमेंट्स रहे। सो आई विश कि आप सब लोग मुझे मेरा गिफ्ट देंगे। आज के दिन मैं आपसे एक ही गिफ्ट की तमन्ना करता हूँ, वो है मेरा सलेक्शन जो मुझे चाहिए, और ये गिफ्ट मेरे लिए नहीं, आपके पेरेंट्स के लिए भी बहुत बहुत मूल्य है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, विश यू ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल।